Welcome to our YouTube share class. This is Kumar Deepakanand and today I am going to teach you the fourth lesson of 10th class Bihar Board. The lesson is What is Wrong with Indian Films, written by Satyajit Ray. सबसे पहले हम लोग सत्यजीत रे के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है. सत्यजीत रे बॉर्न ऑन May 2, 1921 वाज अ वेल नोन फिल्म डायरेक्टर ऑफ इंडिया. सत्यजीत रे जिनका जन्म हुआ था 2 मई 1921 को, वे इंडिया के मतलब कि एक सुप्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर थे, ठीक है. ही अर्न्ड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन फॉर हिज टैलेंट इन फिल्म मेकिंग एंड डायरेक्शन. वे फिल्म मेकिंग यानी फिल्म निर्माण और डायरेक्शन में, डायरेक्शन के टैलेंट में, ठीक है, वो मतलब कि इंटरनेशनल ख्याति को प्राप्त किए, विश्व मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त किए विश्वव्यापी. बेस्ट नोन ऑफ हिज पाथर पंचाली, अपराजितो, चारुलता एंड शतरंज के खिलाड़ी, यानी कि उनकी जो कुछ मतलब कि निर्देशन में बनी हुई कृतियां हैं, ठीक है, जैसे कि पाथर पंचाली है, अपराजितो हो, चारुलता है, शतरंज के खिलाड़ी है, ठीक है, ये मतलब कि सबसे अच्छा जनाता है. ही ओन अवार्ड एट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन वेनिस, कैनस एंड बर्लिन, यानी कि वे मतलब कि फिल्म फेस्टिवल जो अवार्ड होता है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, जो कि वेनिस में, कैनस में और बर्लिन में होता है, उन्होंने वहां पे अवार्ड जीते. ही यूज टू कंपोज म्यूजिक फॉर हिज ओन फिल्म्स, ये जो थे अपने फिल्मों के लिए खुद म्यूजिक कंपोज करते थे, यानी म्यूजिक खुद बनाते थे वे. ही वाज ऑल्सो स्टोरी राइटर, इलस्ट्रेटर एंड बुक डिजाइनर. वे एक स्टोरी राइटर, इलस्ट्रेटर और एक बुक डिजाइनर भी थे. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कन्फर्ड ऑन हिम एन ऑनरेरी डॉक्टरेट डिग्री, एन ऑनर विच वेरी फ्यू पीपल हैव रिसीव्ड. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है उन्हें मतलब की एक डॉक्टरेट की उपाधि दी है, जिसको मतलब कि बहुत कम लोग पाते हैं, ठीक है. इन द प्रेजेंट एसे टेकन फ्रॉम हिज बुक आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स, और ये जो अभी हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो प्रेजेंट एसे है यानी कि एसे जो है, ठीक है, वो मतलब कि हमारे मतलब कि उनकी एक बुक है जिसका नाम है आवर फिल्म्स एंड देयर फिल्म्स, उनके बुक से ली गई है. ही एग्जामिन्स द नेचर ऑफ आवर फिल्म्स, वे मतलब कि हमारे फिल्म्स के नेचर को मतलब क्या एग्जामिन करते हैं, मैंने उसको देखते हैं, ठीक है, एंड पॉइंट्स आउट देयर डिफेक्ट्स, और उसकी कमियों को बताते हैं कि हमारे फिल्मों में क्या कमियां हैं. ही इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल ऑफ क्वालिटी ऑफ आवर फिल्म मेकिंग, डायरेक्शन एज वेल एज कंटेंट, यानी कि वे हमारे फिल्म मेकिंग, डायरेक्शन और साथ में कंटेंट जो है, ठीक है, उसकी जो क्वालिटी है उसके मतलब कि क्या घोर मतलब कि वो ये आलोचना करते हैं, यानी कि उसकी क्रिटिक्स कहते हैं, ठीक है. अब लेसन शुरू होता है वहां पे. वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिनोमेन ऑफ आवर टाइम हैज बीन द डेवलपमेंट ऑफ द सिनेमा फ्रॉम अ टर्न ऑफ सेंचुरी मैकेनिकल टॉय इनटू द सेंचुरीज मोस्ट पोटेंट एंड वर्सेटाइल आर्ट फॉर्म. कहने का मतलब दोस्त यह है कि जो सिनेमा की जो डेवलपमेंट है, ठीक है, वो हमारे समय की, ठीक है, मैंने सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है, जो कि एक मतलब कि जो इस सेंचुरी की मैकेनिकल टॉय से वो चेंज होकर के बनी हुई है, बहुत सी मतलब शक्तिशाली और मतलब कि वर्सेटाइल बहुमुखी आर्ट फॉर्म के रूप में अभी हमारे सामने है इस सेंचुरी की. यानी कहने मतलब कि पहले सिनेमा जो था वो बहुत ही छोटे स्तर पर शुरू हुआ था, ठीक है, और अब जो सिनेमा है आप देख सकते हैं, ठीक है, हॉलीवुड और बॉलीवुड कितने मतलब कि बड़े स्तर पे है, ठीक है, एक इंडस्ट्री बन गई है जिसमें कि लाखों लोग काम कर रहे हैं. टुडे द सिनेमा कमांड्स द रिस्पेक्ट अकॉर्डेड टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन. और आज जो सिनेमा है, ठीक है, वो मतलब कि क्रिएटिव एक्सप्रेशन यानी रचनात्मक जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसके मतलब किसी और फॉर्म के साथ में मतलब क्या है वो उसके रिस्पेक्ट उसे प्राप्त है. इट कंबाइंड्स इन वेरियस मेजर्स द फंक्शंस ऑफ पोएट्री, म्यूजिक, पेंटिंग, ड्रामा, आर्किटेक्चर एंड अ होस्ट ऑफ अदर आर्ट्स, मेजर एंड माइनर. यानी कि अभी इसमें बहुत सारे मतलब कि बहुत सारे मेजर्स आ चुके हैं, मापदंड आ चुके हैं, ठीक है, यानी बहुत चीज इसमें शामिल हुआ है, ठीक है, पोएट्री शामिल हुआ है, म्यूजिक है, पेंटिंग है, ड्रामा है, आर्किटेक्चर है, ये सब इसमें क्या शामिल हुए हैं, ठीक है, और साथ में होस्ट ऑफ अदर आर्ट्स, और साथ में दूसरे आर्ट्स की भी इसमें शामिल है थोड़ा बहुत,
ठीक है, इट ऑल्सो कम्बाइंड द कोर लॉजिक ऑफ साइंस, साथ में इसमें साइंस की भी कुछ लॉजिक आती है। इंडिया टुक अ फिल्म प्रोडक्शन सरप्राइजिंगली अर्ली, यानी इंडिया जो है वो फिल्म प्रोडक्शन जो है वो मतलब कि सरप्राइजिंगली यानी आश्चर्यजनक तरीके से बहुत पहले ही शुरू किया। द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म वाज प्रोड्यूस्ड इन 1907, यानी कि पहली मतलब कि शॉर्ट फिल्म जो बनी थी वो 1907 यानी कि 1907 में बनी थी, प्रोड्यूस हुई थी, और पहली फीचर फिल्म जो बनी थी वो 1913 में बनी थी। बाय द 20s इट हैज रीच्ड द स्टेटस ऑफ बिग बिजनेस, और पहले ही बता दिया कि जो यो जो फिल्म मेकिंग है ठीक है वो अभी बहुत ही बड़े मतलब कि इंडस्ट्री के रूप में आ गया है। तो बाय द 20s यानी कि 20वीं सदी तक ठीक है यह जो है ना एक बड़े बिजनेस के रूप में उभर आया हुआ है, ये सामने आ चुका है हम लोगों के सामने। इट इज इजी टू टेल दैट सॉरी द वर्ल्ड दैट फिल्म प्रोडक्शन इन इंडिया इज क्वांटिटेटिवली सेकेंड ओनली टू हॉलीवुड, यानी कि यह कहना आसान है ठीक है, पूरी दुनिया को बताना यह आसान है कि जो फिल्म प्रोडक्शन है हमारे इंडिया में ठीक है वह मतलब क्वांटिटेटिवली यानी कि संख्यात्मक रूप से हॉलीवुड के बाद दूसरा स्थान आता है। फॉर दैट इज अ एस्थेटिकल फैक्ट, यानी कि यह एक एस्थेटिकल फैक्ट है। बट कैन द सेम बी सेड ऑफ इट्स क्वालिटी, यानी कह रहे हैं मतलब कि फिल्म प्रोडक्शन जो होती है हमारे यहाँ जो फिल्में बनती है वो मतलब कि हॉलीवुड में ज्यादा बनती है ठीक है, उसके बाद से हमारे यहाँ पे बनती है दूसरे स्थान पे, लेकिन क्या जो इसकी क्वालिटी है ठीक है वो हॉलीवुड जैसे कि हॉलीवुड पहला है तो क्या इसकी दूसरे स्थान आती है ठीक है, ये पूछते हैं सत्यजीत रे। वाई आर आवर फिल्म नॉट शोन अब्रॉड, हमारी फिल्में जो है वो अब्रॉड में क्यों नहीं दिखाई जाती, विदेश में क्यों नहीं दिखाई जाती। इट इज सोलली बिकॉज इंडिया ऑफर्स अ पोटेंशियल मार्केट फॉर हर ओन प्रोडक्ट्स, यानी कि इसका मतलब कि एक रीजन है ठीक है, सोलली रीजन है, इकलौता कारण यह है कि इंडिया जो है ना अपने प्रोडक्ट्स के लिए क्या करता है कि मार्केट देता है ठीक है, और मतलब क्या इसके लिए मार्केट देता है सर, क्वेश्चन है यहाँ पे ठीक है, क्या इट इज सोलली बिकॉज इंडिया ऑफर्स अ पोटेंशियल मार्केट फॉर हर ओन प्रोडक्ट्स, यानी कि क्या जो है मतलब इंडिया है अपने प्रोडक्शन के लिए ठीक है अपने प्रोडक्ट्स के लिए वो केवल मार्केट देता है अपनी, और आर वी जस्ट प्लान असेंबल्ड ऑफ आवर फिल्म, या फिर हम लोग मतलब कि अपने फिल्मों के लिए मतलब क्या है शर्मिंदे अपने फिल्मों से। ये सारे जो क्वेश्चन है ठीक है यानी कि ये सत्यजीत ने पूछ रहे हैं, और ये मतलब कि अपनी फिल्मों को देख करके और इसके बारे में मतलब कि जो कमियां है ठीक है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। टू एनी वन फेमिलियर विद द रिलेटिव स्टैंडर्ड्स ऑफ द बेस्ट फॉरेन एंड इंडियन फिल्म्स, यानी कि विदेशी और इंडियन फिल्म्स की जो स्टैंडर्ड है ठीक है उसके मतलब कि विद द रिलेटिव यानी मतलब कि उसे कोई फेमिलियर है यानी परिचित है ठीक है। द आंसर मस्ट कम इजिली, यानी कि आंसर जो है वो तक आसानी से आना चाहिए। लेट अस फेस द ट्रुथ, चलो हम लोग सच्चाई के सामना करते हैं। देयर हैज येट बीन नो इंडियन फिल्म, यानी कि अभी तक कोई भी ऐसा इंडियन फिल्म नहीं है विच कुड बी अक्लेम्ड ऑन ऑल काउंट, जिसको मतलब कि हर एक मतलब कि पहलू से मतलब क्या उसकी प्रशंसा की जा सकती थी ठीक है या की जा सकती है, उसका अभी तक कोई फिल्म नहीं बनी है। वेदर अदर कंट्रीज हैव अचीव्ड ठीक है, जहाँ पे मतलब कि दूसरी कंट्री जो है वो प्राप्त कर चुकी है ठीक है, वी हैव ओनली अटेम्प्टेड, हम लोग केवल अभी कोशिश किया है, एंड दैट टू नॉट ऑलवेज विद ऑनेस्टी, और साथ में वो भी ईमानदारी से नहीं ठीक है। नो डाउट विद दिस लैक ऑफ मेच्योरिटी कैन बी एट्रीब्यूटेड टू सेवरल फैक्टर्स, यानी कि कोई शक नहीं है कि जो ये जो हमारे अंदर मेच्योरिटी है कि जो कमी है ठीक है वो उसके मतलब कि बहुत सारे मतलब कि फैक्टर्स हो सकते हैं ठीक है, यानी हमारे जो फिल्मों में कमी है ठीक है उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ कारण भी बताया जाएगा। द प्रोड्यूसर्स विल टेल यू अबाउट दैट मिस्टीरियस एंटिटी, यानी कि जो प्रोड्यूसर है ठीक है वो इसके बहुत सारे मतलब कि मिस्टीरियस एंटिटी के बारे में कुछ इसको बताएंगे, वो बताते हैं द मास ठीक है, यानी कि वो मास के बारे में बताते हैं ठीक है। विच गोज इन फॉर हिज सॉर्ट ऑफ थिंग्स द टेक्नीशियन विल ब्लेम टू द टूल्स एंड द डायरेक्टर विल हैव मच टू से अबाउट द वंडरफुल थिंग्स ही हैड इन माइंड बट कुड नॉट अचीव बिकॉज ऑफ द कंडीशंस, कहने का मतलब ये है
कि जो प्रोड्यूसर हैं कुछ अलग मतलब कान बताते हैं इसके, ठीक है, कहने मतलब कि वो बताते हैं कि द मास विच गोज इन फॉर हिज शॉर्ट ऑफ थिंग्स, ठीक है, द टेक्नीशियन जो है वो बताते हैं, वो मतलब टूल्स को ब्लेम देते हैं, कहने मतलब कि वो बताते हैं कि हमारे पास अच्छे टूल्स नहीं है जिससे मतलब कि हम लोग क्या कर सकते हैं, फिल्म को अच्छे से बना सके, ठीक है। द डायरेक्टर विल हैव ऑल्सो हैव मच टू से अबाउट द वंडरफुल थिंग्स ही हैड इन माइंड बट कुड नॉट अचीव बिकॉज ऑफ द कंडीशंस। कहने मतलब यह है कि जब वो जो डायरेक्टर है वो बोले कि मेरे मेरे दिमाग में तो बहुत सारी अच्छी आइडिया थी, ठीक है, वंडरफुल थिंग्स था, लेकिन उनको मतलब कि वे नहीं प्राप्त कर सके, यानी वे नहीं फिल्म में बना सके, ठीक है। क्यों नहीं बनाया हुए फिल्म, ठीक है, क्योंकि कंडीशन वैसा नहीं था, ठीक है। ये सब मतलब कि यहाँ पे वो कारण बताएंगे अपना। इन इंडिया इट वुड सीम डैट द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ अ कोहेरेंट ड्रामेटिक पैटर्न एग्जिस्टिंग इन द टाइम वॉज जनरली मिसअंडरस्टूड। यानी कि इंडिया में, ठीक है, इट वुड सीम यानी कि ऐसा मालूम पड़ता है, ठीक है, ऐसा मालूम मतलब ऐसा मालूम होता था, ठीक है, डैट द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ अ कोहेरेंट ड्रामेटिक पैटर्न, जो यानी कि जो ड्रामेटिक पैटर्न की जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, धाबु जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एग्जिस्टिंग इन द इन टाइम वॉज जनरली मिसअंडरस्टूड, यानी कि वो मतलब कि ऐसे टाइम में मतलब कि था जो मतलब क्या मिसअंडरस्टूड था, ठीक है, जिसको समझ नहीं पाया गया। ऑफन बाई अ क्वीर प्रोसेस ऑफ रीजनिंग, यानी कि एक अजीब प्रोसेस के द्वारा, मतलब कि ऑफन बाई अ क्वीर प्रोसेस ऑफ रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग की एक अजीब प्रोसेस के द्वारा, मूवमेंट मूवमेंट के द्वारा, वाज इक्वेटेड विद एक्शन, यानी एक्शन को की तालमेल बनाई जाती है, उसकी बराबर बराबरी की जाती है, एक्शन विद मेलोड्रामा, और साथ में मेलोड्रामा को एक्शन के साथ। द एनालॉजी विद म्यूजिक फेल्ड इन आवर केस बिकॉज इंडियन म्यूजिक इज लार्जली इम्प्रोविजेशनल। कहने मतलब यह है कि जो हमारी जो म्यूजिक है, ठीक है, उसकी जो एनालॉजी है वो भी मतलब कि क्या है कि फेल कर जाती है, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो मतलब कि इंडियन म्यूजिक जो है, ठीक है, वो मतलब क्या है, इम्प्रोवाइजेशनल है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ कुछ एक्सरसाइज भी है जिसको हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर ट्रू फॉल्स है, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, द साइंस कमांड्स द रिस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। तो ये अब बिल्कुल सही है, जैसे कि ऊपर यहाँ पे हम लोग पढ़े हुए थे, ठीक है, तो इधर ही कहीं लिखा हुआ था ये, यह है यहाँ पे, ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पे द सिनेमा डज नॉट कम्बाइन द कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस, ये फॉल्स है, इसको हम लोग पढ़े थे, ठीक है, तो यहाँ से इट ऑल्सो कम्बाइंड द कोल लॉजिक ऑफ साइंस। ओके, नेक्स्ट है, फिल्म प्रोडक्शन इन इंडिया इज क्वांटिटेटिवली सेकेंड ओनली टू हॉलीवुड। तो बिल्कुल ये भी ट्रू है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं उधर पीछे लेसन में, इंडिया हैज अचीव्ड व्हाट अदर कंट्रीज हैव अचीव्ड, नहीं ये रॉन्ग है, ठीक है, ये फॉल्स हो जाएगा। इंडियन म्यूजिक इज लार्जली इम्प्रोविजेशनल, हाँ बिल्कुल ये सही है, ये लाइन लिखी हुई थी यहीं पे, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, जिसको आप लोग मतलब कि कर ले सकते हो वहां से, मतलब कि लेसन को देख करके, ठीक है, ये बिल्कुल लाइन ही है, यहाँ पे मतलब कि भरना होता है, ठीक है, वो लेसन मतलब जो चैप्टर पढ़ रहे हैं चैप्टर उसी का लाइन होता है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ। अगला है, हु हैज रिटन दिस ऐसे, तो आप लोग बता सकते हैं, सत्यजीत रे, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वर्सटाइल आर्ट फॉर्म, तो सिनेमा है ये, ठीक है। वेयर इंडियन फिल्म शोन अब्रॉड अ फ्यू डिकेड्स अगो, नो, इंडियन फिल्म को मतलब विदेशों में नहीं दिखाई जाती थी कुछ दिन पहले, अब तो दिखाई जा रही है। वेन वॉज द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस्ड, पहली जो शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस हुई थी कब हुई थी, तो यहाँ पर उसका ये ईयर है, ठीक है, 1907। अब आगे पढ़ते हैं, ऑलमोस्ट एवरी पासिंग फेज ऑफ अमेरिकन सिनेमा हैज हैड इट्स रिपरकशन ऑफ इंडियन फिल्म। कहने मतलब कि अभी की मतलब कि जो इंडियन अमेरिकन सिनेमा की जो फेजेज है, ठीक है, जो पास मतलब पासिंग फेजेज है, ठीक है, वो प्राय मतलब कि इंडियन फिल्म के रिपरकशन है, ठीक है। स्टोरीज हैव बीन रिटन बेस्ड ऑन हॉलीवुड सक्सेसेज एंड द क्लिशेज प्रिजर्व्ड विद केयर।
यानी कि जो कहानियां लिखी जाती है हमारे यहाँ, ठीक है, वो हॉलीवुड सक्सेस मूवी की लिखी जाती है, जैसे कि वो सफल हो चुकी है, वहाँ पर जो मूवी, ठीक है, उसी का हम नकल कर लेते हैं, और साथ में जो है जो क्लिशेज है, ठीक है, यानी कि जो वो डायलॉग बोलते हैं, ठीक है, जो कुछ भी मतलब यूज करते हैं, उस तरह से हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। इवन वेयर द स्टोरी हैज बीन जेन्युइनली इंडियन वर्ड, लेकिन यहाँ की जो स्टोरी होती है, ठीक है, वो मतलब इंडियन होती है, ठीक है, कुछ ऐसा ही हम लोग यूज करते हैं। द बैकग्राउंड म्यूजिक हैज रिवील्ड द इरिप्रेसिबल पेंशन फॉर द जज इंडियन। कहने का मतलब यह है कि जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, ठीक है, वो भी मतलब कि एक जज जज मतलब कि एक म्यूजिक होता है, ठीक है, वो मतलब उसके जैसा ही मतलब कि हम लोग भी यूज करना शुरू करते हैं। इट शुड बी रियलाइज डेट द एवरेज इन अमेरिकन फिल्म इज अ बैड मंडल, और ऐसा मतलब कि रियलाइज होता है, ठीक है, कि जो अमेरिकन फिल्म है खास करके जो, वो सबके सब क्या बैड मॉडल है। इफ ओनली बिकॉज इट डिपिक्ट अ वे ऑफ लाइफ सो अटली एट वेरियंस विद आवर ओन, यानी कि ये जो मतलब कि जो लाइफ की जो तरीका है जीने का, ठीक है, हमारे वहाँ के, तो हमारे यहाँ से कुछ अलग है, ठीक है, और वो वही मतलब दिखाते हैं, ठीक है, अपने यहाँ के जो मतलब कि लाइफ मतलब कि जो जीने की तरीका है, ठीक है, वो मोर ओवर द हाई टेक्निकल पॉलिश, और साथ में मतलब कि वहाँ पे हाई टेक्निकल पॉलिश है, यानी मतलब कि दिखावा ज्यादा है वहाँ पे, विच इज द हॉलमार्क ऑफ अ स्टैंडर्ड हॉलीवुड प्रोडक्ट, जो कि हॉलीवुड प्रोडक्ट का हॉलमार्क होता है। वुड बी इम्पॉसिबल द अचीव अंडर एग्जिस्टिंग इंडियन कंडीशन, जो कि इंडियन कंडीशन में मतलब कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं होता है। वाट द इंडियन सिनेमा नीड्स टूडे इज मोर ग्लॉस, यानी कि अभी जो मतलब कि इंडियन सिनेमा को जरूरत है आज, ठीक है, वो जो है क्या थी, तो मोर ग्लॉस बट मोर इमेजिनेशन, साथ में मतलब कि मोर इमेजिनेशन भी चाहिए, कल्पना चाहिए, ठीक है, मोर इंटीग्रिटी एकता चाहिए, एंड अ मोर इंटेलिजेंट एप्रिसिएशन ऑफ लिमिटेशन ऑफ द मीडियम, और साथ में मतलब कि ऐसे मतलब कि कुछ तरीके चाहिए, इंटेलिजेंसी भी चाहिए, ठीक है, ताकि मतलब कि हमारी जो फिल्में हैं मतलब अच्छी बन सके, ठीक है। आफ्टर ऑल वी डू पोजेस द प्राइमरी टूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग, लेकिन आखिरकार हम लोगों के पास जो फिल्म मेकिंग यानी कि फिल्म बनाने की जो टूल्स है, हथियार है, ठीक है, जो मशीन है वो मतलब कि प्राइमरी है, पुराने जमाने की है। द कंप्लेंट ऑफ द टेक्नीशियंस नॉट विदरस्टैंडिंग मैकेनिकल डिवाइसेज सच एज द क्रेन शॉट एंड द प्रोसेस शॉट आर यूजफुल, और जो मतलब टेक्नीशियंस की जो मतलब क्या कहते हैं कंप्लेंट है, ठीक है, वो मतलब कि नॉट विदरस्टैंडिंग यानी कि मतलब सही नहीं है, ठीक है, मैकेनिकल डिवाइसेज सच एज एट द क्रेन शॉट एंड द प्रोसेस शॉट आर यूजफुल, यानी कि कुछ यहाँ पर डिवाइस का नाम दिया है, जैसे क्रेन शॉट हो गया और जो प्रोसेस शॉट है, ये मतलब क्या ठीक है, बट बाई नो मीन्स इंडिस्पेंसिबल, लेकिन किसी भी तरीके से ये मतलब क्या अपरिहार्य नहीं है। वट आवर सिनेमा नीड्स अबव एवरीथिंग एल्स इज अ स्टाइल, यानी कि हमारे सिनेमा को क्या चाहिए, ठीक है, तो स्टाइल चाहिए, एन idiom, idiom अच्छी होना चाहिए, और sort of iconography of cinema, सिनेमा की iconography चाहिए, विच वुड बी क्विकली एंड रिकॉग्निजेबली इंडियन, जो कि मतलब सॉरी अनइक्वली, यानी कि जो मतलब कि इनइक्वली, कहने मतलब ये कि जो पूरे इंडियन होना चाहिए, कहने मतलब किसी दूसरे का नकल नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगर हम किसी दूसरे का नकल करते हैं तो फिर हमारा मतलब कि जो सिनेमा है, ठीक है, वो अच्छा नहीं बन सकता है। द मेजोरिटी ऑफ आवर फिल्म आर रिप्लेट विद सच एज विजुअल डिसोनेंस, यानी कि जो हमारे फिल्म की जो मेजोरिटी है, ठीक है, जो अधिकांश तो जो फिल्म है, ठीक है, उसमें मतलब कि विजुअल डिसोनेंस होता है, बट द ट्रूली इंडियन फिल्म शुड स्टीयर क्लियर ऑफ सच इनकॉन्सिस्टेंसीज, लेकिन हमारी जो फिल्म होनी चाहिए, जो इंडियन फिल्म होनी चाहिए, ठीक है, सचमुच में उसे मतलब कि इन सारे इनकॉन्सिस्टेंसीज से मतलब साफ होना चाहिए, बिल्कुल अलग होनी चाहिए, एंड लुक फॉर इट्स मटेरियल इन द मोर बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन लाइफ, और साथ में उसमें कुछ ऐसे भी मटेरियल के बारे में हमें खोजना चाहिए जो इंडियन लाइफ के पहलुओं से मतलब उस रिलेटेड हो, ठीक है, वही बेस होना चाहिए। वेयर हैबिट एंड स्पीच, साथ में मतलब कि हैबिट और स्पीच जो होनी चाहिए वो इंडियन होनी चाहिए। ड्रेस एंड मैनर्स, जो कपड़े हैं तौर तरीके हैं, वो भी इंडियन होनी चाहिए। बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड, ये सब कुछ भी इंडियन होना चाहिए, कहने मतलब कि जो फिल्म शूटिंग होती है, हम क्या करते हैं विदेश में चले जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे फिर फिल्म मतलब कि हम लोग शूट करते हैं, ठीक है, जो कि मतलब कि इंडियन नहीं होती है, ठीक है, हमारे यहाँ का कोई भी सीन नहीं ली जाती है,
ब्लेंड इन टू हारमोनियस और साथ में सबको मतलब कि एक एक मतलब कि हर मतलब कि लय में मतलब मिलाना चाहिए पूरे चीज को. इट इज ओनली इन अ ड्रास्टिक सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्टाइल एंड कंटेंट दैट होप फॉर इंडियन सिनेमा रिसाइड्स. यानी इट इज ओनली इन अ ड्रास्टिक सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्टाइल, यानी कि स्टाइल के मतलब कि एक ड्रास्टिक सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए. एंड कंटेंट दैट होप फॉर इंडियन सिनेमा रिसाइड्स, और वैसी कंटेंट होना चाहिए जिसकी मतलब कि इंडियन सिनेमा में मतलब कि आशा की जा सके, मतलब कि जो रह सके. ठीक है. एट प्रेजेंट अभी में इट वुड अपियर दैट नियरली ऑल द प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेज गो अगेंस्ट सच अ सिंप्लीफिकेशन. और अभी अब ऐसा मालूम चलता है, ठीक है, कि जितनी भी मतलब कि प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेज हैं, ठीक है, वो ऐसे सिंप्लीफिकेशन के विरुद्ध जाती है. स्टार्टिंग अ प्रोडक्शन विदाउट एडिक्वेट प्लानिंग, और साथ में हम लोग क्या करते हैं कि कोई खास प्लानिंग होती नहीं है, प्राप्त प्लानिंग नहीं होती है, और हम लोग प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं. ठीक है. समटाइम्स इवन विदाउट अ शूटिंग स्क्रिप्ट, और कभी कभी तो हमारे पास शूटिंग स्क्रिप्ट भी नहीं होती है, तब तक हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं. पेंचेंट फॉर कन्वुलेशन ऑफ प्लॉट एंड काउंटर प्लॉट रादर दैन द स्ट्रॉन्ग सिंपल यूनिडायरेक्शनल नैरेटिव. साथ कहने मतलब कि हमारे पास बहुत सारी चीजें नहीं होती है, प्लॉट नहीं होता, ठीक है, मतलब पटकथा जैसे कहते हैं काउंटर प्लॉट नहीं होता, ठीक है, और कोई मतलब कहानी नहीं होती, ठीक है, कोई मतलब अच्छी कहानी नहीं होती, यूनिडायरेक्शनल मतलब कि नैरेटिव नहीं होता, ठीक है, ये सारे के सारे कुछ मतलब यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, वो चीज नहीं होता, ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं. द प्रैक्टिस ऑफ सैंडविचिंग म्यूजिकल नंबर्स इन द मोस्ट अनरियलिकल सिचुएशंस, और हम लोग क्या करते हैं कि जो म्यूजिकल मतलब कि चीजें हैं, ठीक है, म्यूजिकल नंबर्स, ठीक है, यानी कि जो गाने हैं, ठीक है, उसको हम लोग मतलब कि वो क्या होता है, अनरियलिकल होता है बिल्कुल, यानी कि वो उसकी जो मतलब कि क्या करते हैं ना, हम लोग ऐसे बनाते हैं जो कि लिरिक में नहीं आता, ठीक है, अच्छा नहीं बन पाता. द हैबिट ऑफ शूटिंग इंडोर्स इन अ कंट्री, और साथ में हमारे पास मतलब कि देश के अंदर शूटिंग करने की जो हैबिट है, विच इज ऑल लैंडस्केप, जो कि मतलब पूरी लैंडस्केप ही होती है, एंड एट अ टाइम व्हेन ऑल अदर कंट्रीज आर टर्निंग टू द डॉक्यूमेंट्री फॉर इंस्पिरेशन, यानी कि जहाँ पे मतलब कि दूसरी जो कंट्री है, ठीक है, जो फिल्म बना रही है, ठीक है, उसमें क्या है कि वो सब मतलब कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रही है, यानी किसी के मतलब कि लाइफ जीवन पे जीवनी पे बनाती है, ठीक है, फिल्में, जो कि मतलब इंस्पिरेशन देती है. ठीक है. ऑल दिज स्टैंड इन वे ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिस्टिंक्टिव स्टाइल, यानी कि ये सब जितना भी है वो मतलब कि क्या है, विकास है एक मतलब कि एक तरीके मतलब कि डिस्टिंक्टिव स्टाइल की जो इवोल्यूशन है, ठीक है, वो ये सब मतलब कि है. देयर हैव बीन रेयर ग्लिम्पसेज ऑफ एन एनलाइटेंड अप्रोच इन अ हैंडफुल ऑफ रिसेंट फिल्म्स, और साथ में मतलब कि जो मतलब देयर हैव बीन रेयर ग्लिम्पसेज, यानी कि बहुत सारे मतलब कि दुर्लभ ग्लिम्पसेज है, ठीक है, हमारे पास, ठीक है, ऑफ एन एनलाइटेंड अप्रोच इन हैंडफुल ऑफ रिसेंट फिल्म्स, यानी कि एक मुट्ठी भर मतलब कि जो आधुनिक मतलब अभी जो हाल की फिल्में है उसकी अप्रोच मतलब उसमें मतलब कि क्या हमारी मतलब कि अच्छी क्या है, मतलब अच्छी है उम्मीद फिल्में, जैसे कि यहाँ पे दिया है इप्टाज धरती के लाल इज एन स्टैंड्स ऑफ स्ट्रॉन्ग सिंपल थीम पुट ओवर विद स्टाइल, यानी कि ये जो धरती के लाल जो मूवी बनी थी, ठीक है, वो एक ऐसी उदाहरण है जिसमें कि सिंपल थीम है, ठीक है, और लेकिन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, पुट ओवर विद स्टाइल, यानी कि साथ में स्टाइल भी है वहां पे, ठीक है. ऑनेस्टी एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंस, ऑनेस्टी और टेक्निकल कॉम्पिटेंस भी है, ठीक है, और साथ में संकर्ष कल्पना, यानी शंकर की जो कल्पना है, ठीक है, वो एन इमिटेबल एंड हाईली इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट शोज अ ग्रेस्प ऑफ फिल्मिक मूवमेंट एंड रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशन, यानी ये जो फिल्म है, ठीक है, वो मतलब कि एक ऐसी फिल्म है जिसमें कि मतलब ये दिखाया गया है कि जो मतलब फिल्मिक मूवमेंट की जो ग्रेप है वो दिखाया गया, ठीक है, ट्रेडिशन को मतलब कि उसको लेकर के बनाया गया है, ठीक है. द रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा इज लाइफ इटसेल्फ, यानी कि सिनेमा की जो रॉ मटेरियल है वो मतलब क्या लाइफ ही है इसकी खुद, ठीक है. इट इज इनक्रेडिबल डैट, यानी कि अविश्वसनीय है कि अ कंट्री विच हैज इंस्पायर्ड सो मच पेंटिंग म्यूजिक एंड पोएट्री, यानी कि एक ऐसी कंट्री जो कि बहुत सारे मतलब कि
much painting को जो मतलब inspired की है, music को inspired की है, ठीक है. Poetry should fail to move filmmakers, यानी कि वे मतलब कि वे मतलब filmmakers बनने में मतलब क्या होते हैं, fail कर जाते हैं. He has only to keep his eyes open, यानी कि उन्हें अपनी केवल आंखें खुली मतलब कि खोलना पड़ता है, ठीक है, आंखें खुली रखनी पड़ती है. एंड हिज ईयर्स, अपने कान भी, लेट हिम डू डू सो, चलो हम लोग उनको ऐसा करने दें. यहाँ द फिल्म फिल्म यहाँ फॉर फिल्म द ब्लैंक्स है, ठीक है, जिसको आप लोग मतलब कि लेसन से मतलब कि पढ़ के कर सकते हैं, ठीक है. यहाँ पे उसके बाद से मैं ये क्वेश्चन आंसर भी अभी नहीं करा पाऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है. तो मैं अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स बताता हूँ मैं आपको, कुछ वर्ड्स है इसको देख लीजिए आप लोग. जैसे कि फिनोमेन है, इसका मतलब घटना होता है, ठीक है. पोटेंट मतलब होता है पावरफुल, ठीक है. वर्सेटाइल मतलब होता है जिसमें बहुत सारी क्वालिटी वगैरह, मतलब कि बहुमुखी जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है. आर्किटेक्चर मतलब होता है मतलब कि घर बनाने की कला जो होती है, ठीक है. उसके बाद है यहाँ पे स्टैटिस्टिकल मतलब होता है मतलब इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट की गई है. पोटेंशियल मतलब होता है इनर एबिलिटी, यानी कि शक्ति हमारी होती है, ठीक है. अक्लेम मतलब प्रशंसा करना होता है, ओके. यहाँ पे है मैच्योरिटी मतलब परिपक्वता जिसे कहते हैं हिंदी में. मिस्टीरियस मतलब होता है रहस्यमय. मेलोड्रामा मतलब कि जैसे कि इमोशनल ड्रामा, ठीक है. उसके बाद से इम्प्रोवाइजेशनल, जिसको हम लोग मतलब क्या कहते हैं, कंपोजिंग म्यूजिक विद अ प्ले, यानी कि म्यूजिक और मतलब नाटक का दोनों मतलब कंपोजिंग जो होता है वो. रिपरकशन का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इवेंट, यानी कि क्या मतलब कि इवेंट की मतलब कि सिलसिला, यानी कि एक घटना के बाद दूसरी घटना. हॉलमार्क आप लोग समझ सकते हैं, ये एक स्टैंडर्ड मतलब कि मार्क है, ठीक है. क्लिशेज मतलब होता है फ्रेजेज आइडिया मुहावरे, ठीक है, जो कि पुराने स्टाइल के हैं. इरिप्रेसिबल मतलब अनकंट्रोलेबल, जिसको नियंत्रित मतलब नहीं की जा सके. ग्लॉस मतलब होता है चिकना चमकीला, ठीक है, ब्राइट अपीयरेंस. इंडिस्पेंसिबल मतलब होता है जिसको मतलब कि अलग नहीं की जा सके. धन्यवाद स्टूडेंट्स. अब ज़्यादा मतलब कि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अब मैं और कुछ नहीं बताऊंगा. नीचे की तरफ क्वेश्चन आंसर भी है, कुछ वर्ड्स भी है, तो अब यहीं पे ख़त्म करते हैं. लेकिन ख़त्म करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो, ठीक है. यहाँ पे आपको मतलब कि सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, ठीक है. और लाइक कीजिए और कमेंट्स में लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा.